हेलो फ्रेंड्स, तो आज आप करेंगे इंग्लिश दे 5th क्लास की बुक इंग्लिश दी और स्टार्ट करेंगे। बुक का नेम रेनबो है, पंजाब स्कूल एजुकेशन दी बुक है। हुण आपां स्टार्ट करते हैं। सो अपने कोल पहला कंटेंट्स दे विच चैप्टर्स, टोटल अपने 9 चैप्टर्स ने। सो अज आपां सारे नाल पहला फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टू आपां सारे फिर करेंगे, ठीक है। हर एक चैप्टर करेंगे तो उहदी बुक एक्सरसाइज पूरी करेंगे, ठीक है। सो अपने कोल फर्स्ट चैप्टर हैगा द एल्स एंड द शूमेकर, बोने अते एक मोची। सो लैट स्टार्ट। वंस देयर वॉज अ शूमेकर, एक बार एक मोची सी। ही बिकेम सो पुअर दैट ही हैड नथिंग लैफ्ट टू रन हिज फैमिली। वो बहुत ही गरीब हो गया सी ते उहदे कोल अपने परिवार चलाने वास्ते कुछ नहीं सी बचे। बट ओनली इनफ लैदर फॉर जस्ट वन पेयर ऑफ शूज़। बट उहदे कोल सिर्फ एक शूज़ का पेयर बनाने वास्ते थोड़ा लैदर पई सी। सो इन द इवनिंग ही कट आउट द लैदर विद द ग्रेट केयर टू मेक द शूज़। उसने जिहड़ी लैदर सी, चमड़ा सी, उसनों बहुत ही वधिया तरीके नाल शूज़ बनाने वास्ते कट के रख दिता। बट ही वॉज सो डिसअपॉइंटड, बट वह बहुत निराश सी। डिसअपॉइंटड मीनस हुंदा निराश होना, ठीक है। दैट ही लैफ्ट हिज वर्क ऑन द टेबल, सो उसने जिहड़ा काम सी टेबल उत्ते छड्ड दिता। टू फिनिश इन द मॉर्निंग, सुबह वेले ख़त्म करन दे लई। He was almost in tears, उसकी अखां विच हंझू आ गए सी। Before he fell asleep, उसने सौण तो पहला ही prayed to God to and ask God to help him। उसने परमात्मा नूं अरदास कीती अते परमात्मा नूं उसकी हैल्प करन लई कहा। In the morning, he found a wonderful pair of shoes on his table। सवेर वेले उसने एक बहुत ही वधिया तरीके नाल shoes दा जिहड़ा pair सी तैयार किया हुआ टेबल उत्ते देखा। ही वो सरप्राइज, जो बहुत हैरान हो गया। सरप्राइज मीनस होंदा हैरान होना। ही टुक द शूज़ इन हिज हैंड्स एंड लुकड एट दैम क्लोजली, उसने जेडे शूज़ सी अपने हैंड हत्थां विच चके अते उसनू बहुत ही नेड़ियों देखा। लुकड एट दैम क्लोजली मतलब होंदा नेड़ियों देखा। लुकड एट दैम क्लोजली, उसने बहुत ही नेड़ियों देखा। दे वर सो नीटली मेड, वो बहुत ही वधिया तरीके नाल सफाई नाल बने हुए सी। That there was not even one bad stitch on them, उन्हां उत्ते कोई भी खराब स्टिच नहीं सी लग्या होया। The pair of shoes was indeed a masterpiece, जिहड़ा शूज़ दा पेयर सी बहुत ही वधिया एक मास्टरपीस सी। मास्टरपीस मीनस हुंदा एक अद्भुत जोड़ा सी। Soon after, थोड़े समय बाद, a customer came into the shop, एक गाहक सी जिहड़ा शॉप ते आया। कस्टमर मीनस हुंदा गाहक। He liked the shoes so much, उसनों जेड़े शूज से बहुत ही वधिया लगे। ही पेड मोर दैन यूजुअल प्राइस, उसने आम कीमत नालों ज़्यादा कीमत देती। नाओ हुण द शूमेकर वॉज वेरी हैप्पी, द मोची सी जेड़ा वो बहुत ही खुश सी। एज ही हैड इनफ मनी टू बाय लैदर फॉर टू पेयर्स ऑफ शूज़, उहदे कोल दो पेयर सी जेड़े बनाउण लई लैदर जिन्नी चाहीदी सी दो पेयर बनाउण वास्ते, उहदे कोल ओने पैसे हैगे सी वी ओह दो पेयर्स बना लवे शूज़ से लैदर खरीद के। दैट नाइट, उस रात, ही कट आउट द लैदर एंड नैक्सट मॉर्निंग, उसने जेड़ी लैदर सी कट्टी अते अगली सवेर, ही फाउंड टू पेयर्स ऑफ ब्यूटीफुल फिनिश्ड शूज़, उसने फिर तो दो वधिया तरीके नाल तैयार किए हुए शूज़ देखे। दिस कंटिन्यूड फॉर मैनी नाइट्स, ये सब कुछ बहुत रातों तक चलता रहा। एनी लैदर दैट ही कट्स आउट इन द इवनिंग, जिन्नी भी लैदर चमड़ा कटदा शाम नू, ही वो वॉज ब्यूटीफुली फिनिश बाय द मॉर्निंग, जेड़ा बहुत ही वधिया तरीके नाल सुबह बने हुए देखदा। सून द शूमेकर बिकम रिच, थोड़े समय दे विच जेड़ा मोची सी बहुत अमीर हो गया। वन ईवनिंग द मैन सैड टू हिज वाइफ, एक रात एक शाम जेड़ा आदमी सी अपनी वाइफ नू कहिंदा, Let's stay up tonight to see who's helping us, उसने कहा कि आप आज रात नू देखते हाँ कि कौन अपनी हेल्प करता है, कौन अपनी मदद करता है। द वूमेन लाइक द आइडिया, लेडी नू जेड़ा आइडिया सी बहुत वधिया लग्या उसकी वाइफ नू। शी लाइटेड अ कैंडल, उन्हें एक मोमबत्ती जलाई। द रूम वॉज लिट बाय द कैंडल फ्लेम, रूम से जेड़ा रूम दे विच कैंडल दी लाइट नाल रूम दे विच लाइट चल पई। Then they hid themselves in a corner, ओ दोनों जाने एक कोने विच लुक गए। At midnight, two little elves came dancing into the room,
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਬੋਨੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਬੋਥ ਵਰ ਵੀਅਰਿੰਗ ਓਲਡ ਐਂਡ ਟੋਰਨ ਕਲੋਥਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਟੋਰਨ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਫਟੇ ਹੋਏ। ਦੇ ਸੈਟ ਡਾਊਨ ਐਟ ਦਾ ਸ਼ੂਮੇਕਰਸ ਟੇਬਲ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਸ਼ੂਮੇਕਰ ਦੇ ਮੋਚੀ ਦੇ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਦੇ ਬਿਗੈਨ ਟੂ ਸਟਿਚ ਸਿਊ ਐਂਡ ਹੈਮਰ ਸੋ ਸਕਿੱਲਫੁਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਿਚ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦ ਸ਼ੂਮੇਕਰ ਵੋਜ਼ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਜੇ ਮੋਚੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਦ ਐਲਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਦ ਵਰਕ ਐਂਡ ਰੈਨ ਅਵੇ। ਬੋਨਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੂਮੈਨ ਸੈਡ, ਲੇਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਜ਼ ਲਿਟਲ ਮੈਨ ਹੈਵ ਮੇਡ ਅਸ ਰਿਚ। ਉਹ ਦੋ ਛੋਟੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸ਼ੋ ਅਵਰ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਟੂ ਦੈਮ ਫੋਰ ਦੇ ਸੈਲਫਲੈਸ ਸਰਵਿਸ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਈ ਵਿਲ ਮੇਕ ਲਿਟਲ ਸ਼ਰਟਸ, ਕੋਟਸ, ਵੈਸਟ, ਟਰਾਊਜ਼ਰਸ ਐਂਡ ਅ ਪੇਅਰ ਆਫ ਸੌਕਸ ਫੋਰ ਦੈਮ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਰਟਸ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਕੋਟਸ, ਵੈਸਟ, ਟਰਾਊਜ਼ਰਸ ਮੀਨਸ ਪੈਂਟਸ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੌਕਸ ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਵਿਲ ਮੇਕ ਟੂ ਲਿਟਲ ਪੇਅਰਸ ਫੋਰ ਦੈਮ ਆਫ ਸ਼ੂਜ਼ ਫੋਰ ਦੈਮ ਸੈਟ ਦਾ ਸ਼ੂਮੇਕਰ। ਸ਼ੂਮੇਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਪੇਅਰਸ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਵੈਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਜ ਰੈਡੀ, ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇ ਲੇਡ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਸ ਔਨ ਦ ਟੇਬਲ ਐਂਡ ਹਿਡ ਹਿਮਸੈਲਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸੀ, ਗਿਫਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੁੱਕ ਗਏ। ਐਟ ਮਿਡਨਾਈਟ ਦ ਐਲਸ ਕੇਮ ਇਨ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੋਨੇ ਆਏ। ਦੇ ਵਰ ਡਿਲਾਈਟਡ ਟੂ ਫਾਇੰਡ ਦ ਗਿਫਟਸ। ਉਹ ਗਿਫਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਡਿਲਾਈਟਡ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਬੋਥ ਦ ਐਲਸ ਡਰੈਸਡ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਇਨ ਨਿਊ ਕਲੋਥਸ। ਦੋਨੇ ਬੋਨਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ। ਦੈਨ ਦੇ ਡਾਂਸ ਐਂਡ ਸੈਂਗ ਹੈਪੀਲੀ। ਉਹ ਨੱਚੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ। ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਫਾਈਨ ਟੂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਰੇਸਫੁੱਲ, ਚੀਅਰਫੁੱਲ ਐਂਡ ਥੈਂਕਫੁੱਲ ਵੀ ਆਰ। ਖੁਸ਼, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਡਾਂਸ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਡੋਰ। ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਿਡ ਨੋਟ ਕਮ ਐਨੀ ਮੋਰ ਦ ਸ਼ੂਮੇਕਰ ਲਿਵਡ ਹੈਪੀਲੀ ਫੋਰ ਐਵਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਮੇਕਰ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਗਲੋਸਰੀ। ਗਲੋਸਰੀ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗਸ ਐਲਸ। ਫਸਟ ਦਿੱਤਾ ਐਲਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਚੈਪਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੋਨੇ। ਡਵਾਫ ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਆਫ ਫੈਰੀਟੇਲਸ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫੈਰੀਟੇਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੂਮੇਕਰ, ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਮੇਕਸ ਸ਼ੂਜ਼। ਸ਼ੂਮੇਕਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੋਚੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਜ਼ਲੀਪ ਇਨ ਅ ਸਟੇਟ ਆਫ ਸਲੀਪ। ਅਜ਼ਲੀਪ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਆਇਟ, ਇੱਕ ਕੁਆਇਟ ਹੁੰਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕੁਆਇਟ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊ ਯੂ ਆਈ ਟੀ ਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਟਲੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਪੀਸ, ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੂਮੇਕਰ ਰਿਚ ਔਰ ਪੂਅਰ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਮੇਕਰ ਸੀ ਅਮੀਰ ਸੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਆਨਸਰ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦ ਸ਼ੂਮੇਕਰ ਵਾਜ਼ ਪੂਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਮੇਕਰ ਸੀ ਮੋਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਵਟ ਡਿਡ ਹੀ ਡੂ ਬਿਫੋਰ ਹੀ ਫੈਲ ਅਸਲੀਪ। ਉਸਨੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸਨੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੈਦਰ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹੀ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੱਟ ਆਊਟ ਦ ਲੈਦਰ ਬਿਫੋਰ ਹੀ ਫੈਲ ਅਸਲੀਪ।
उसने सौण तो पहला एक चमड़े नू कट के रख दिता। हु हेल्प द शूमेकर, क्वेश्चन नंबर 3 है अपने, हु हेल्प द शूमेकर, मोची दी किसने मदद की थी? आंसर है जी अपना, आपां पता है स्टोरी विच आपां पढ़िया सी दो बौनियां ने जिहड़ी सी मोची दी मदद की थी, सो आपां आंसर लिखांगे टू लिटल एल्व्स हेल्प्ड द शूमेकर। ठीक है, दो बौनियां ने मोची दी मदद की थी। फोर्थ क्वेश्चन है अपना, व्हाट डिड द वूमेन डू फॉर द एल्व्स, औरत ने बौनियां दे लई की कीता? आप आंसर लिखांगे शी मेक, उसने लिटल कोट्स, उसने छोटे छोटे कोट्स बनाए, शर्ट्स वेस्ट्स ट्राउजर्स, ट्राउजर्स मीन्स उन द पैंट्स, ठीक है, एंड अते अ पेयर ऑफ सॉक्स, ते जराबां दा जोड़ा बनाया फॉर देम। ठीक है, शी मेक लिटल कोट्स शर्ट्स वेस्ट ट्राउजर्स एंड अ पेयर ऑफ सॉक्स फॉर देम, उसने बौनियां दे लई कोट्स शर्ट्स वेस्ट ट्राउजर ते एक जराबां दा जोड़ा बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फिफ्थ, व्हाट डिड द मैन मेक फॉर देम, मोची ने की बनाया सी बौनियां दे लई? ही मेड, तो अपन पता है जिथे डिड लग्या होवे ओदे विच सैकेंड जिहड़ा वर्ड दिता होगा ओदी सैकेंड फॉर्म यूज हो, आपां इसलिए लिखा ही मेड लिटल पेयर ऑफ शूज फॉर देम, उसने उन्हां दे लई दो छोटे छोटे शूजेस दे पेयर बनाए। ठीक है, ये अपने सीगे क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर दे, हुण आपां मेक सेंटेंस करांगे। चलो जी, अपना फर्स्ट मेक सेंटेंस हैगा है शूमेकर, शूमेकर अपन चैप्टर विच इन्नी बार आया इसलिए आपां इहदा मेक सेंटेंस आराम नाल बना सकते हैं। शूमेकर वॉज पुअर, द शूमेकर वॉज पुअर। ठीक है, जो शूमेकर सी वो बहुत गरीब थी। शूमेकर वॉज पुअर या शूमेकर वॉज वेरी पुअर। ठीक है, आपने वैसे एक बनाया वा शूमेकर वॉज पुअर, अगर थोनू होर कोई आंदा है तो तुसी होर भी बना सकते हो, जिवें आई सॉ अ शूमेकर, एकंड तुसी होर भी कई बना सकते हो। ठीक है, मॉर्निंग, मॉर्निंग बहुत ईजी बन सकता है, आई गैट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी गैट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, कोई भी बना सकते हैं, आई, मैं बना रही हूँ आई गैट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। आपा जां फिर बना सकते हैं शी गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक। ठीक है, मॉर्निंग दा बनाना है, कोई भी बन सकता है। सो हुण आपां नैक्सट करते हैं नंबर थर्ड, थर्ड अपना हैगा जी ईवनिंग, ईवनिंग दे भी आपां काफ़ी सारे बना सकते हैं। आपां बनावांगे आई इंजॉय माई ईवनिंग मील, मैं अपना शाम दा खाना बहुत इंजॉय किया, आई इंजॉय माई ईवनिंग मील। ठीक है,
ठीक है। नंबर फोर्थ अपना हैगा मेक सेंटेंस रूम। रूम आप काफ़ी सारे बना सकते हैं रूम दे, दिस इज़ अवर ड्राइंग रूम, दिस इज़ माई बेडरूम, ठीक है, कोई भी बना सकते हैं। दिस मैं बनावांगी, दिस इज माई, सॉरी, दिस इज माई बेडरूम, यह मेरा बेडरूम है, ठीक है। नंबर फिफ्थ अपना हैगा है जी कॉबलर। शूमेकर वो हुंदा जिहड़ा जुतियां बनांदा है, ठीक है, जिहड़ा कॉबलर हुंदा है वो हुंदा जिहड़ा जुतियां नूं ठीक करदा है, ठीक है। द कॉबलर वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, आपां एक मैं थोनों एक दस्सिया सी, द कॉबलर वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, एक आपां बना सकते हैं हिज फादर इज अ कॉबलर, हर फादर इज अ कॉबलर, हर अंकल इज अ कॉबलर, ठीक है, आपां लिख सकते हैं। मैं बनाऊंगी हिज अंकल इज अ, ठीक है, इज अ कॉबलर, उसके अंकल एक कॉबलर हैं, ठीक है। नंबर सिक्स हेल्प, हेल्प तो आप बना सकते हैं, गॉड हेल्प्स एवरीवन, परमात्मा हर एक की मदद करता है, गॉड हेल्प्स एवरीवन। मेक सेंटेंस बनाने होंगे ने, मेक सेंटेंस आप कोई भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं गा आप वड्डे वड्डे बनाने हैं, छोटे भी बना सकते हैं, बट उन्हों का मीनिंग बनना चाहिए है, ठीक है। शूज़ बना सकते हैं, आई हैव टू पेयर्स ऑफ शूज़, ठीक है, आई हैव टू पेयर्स ऑफ शूज़। सो देखो अपने मेक सेंटेंस जिहड़े हैगे ने हो गए ने, ठीक है। मेक सेंटेंस फर्स्ट इज शूमेकर, द शूमेकर वॉज पुअर, मॉर्निंग आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इवनिंग द आई एंजॉय माई इवनिंग मील, रूम दिस इज माई बेडरूम, कॉबलर हिज अंकल इज अ कॉबलर, हेल्प गॉड हेल्प्स एवरी वन, शूज आई हैव टू पेयर्स ऑफ शूज, ठीक है, अपने मेक सेंटेंस हो गए ने। नाउ हुण आप करेंगे चूज द करैक्ट ऑप्शनस, चूज़ द करैक्ट ऑप्शन, शूमेकर एंड इज वाइफ वर, शूमेकर दे उसके वाइफ की सी, वेरी पुअर बहुत गरीब, पुअर कल्ले गरीब, नीदर रिच नॉर पुअर, ना अमीर सी ना गरीब सी, की सीगे वो पुअर सी, सो आप पुअर ते टिक कर देंगे। द नैक्सट मॉर्निंग द शूमेकर डैश, शूमेकर फाउंड डैश पेयर ऑफ शूज़, अगली सवेर उस शूमेकर ने टेबल उत्ते की देखा, किन्ने पेयर शूज़ दे देखे सी उन्हें, एक दो या तीन, उन्हें एक पेयर देखा सी, ब्लैंक सी तुसी फिल कर दियो बुक ते। डैश केम इन टू द रूम एट मिडनाइट, अद्धी रात नू कमरे विच कौन आया सी, एक कॉबलर आया सी, टू एल्व्स आए सी, या फिर टू डॉग्स आए सी, टू एल्व्स, ठीक है। द मैन मेड डैश फॉर द एल्व्स, मैन ने एल्व्स दे लई की बनाया सी, टू लिटिल पेयर्स ऑफ शूज़, दो छोटे छोटे शूज़ के पेयर्स बनाए सी, टू टेबल एंड वन चेयर, दो टेबल ते एक कुर्सी, दो टू चेयर्स एंड वन टेबल, दो कुर्सियाँ ते एक टेबल, सो अपन उन्हें बनाए सी टू पेयर्स ऑफ शूज़। इन्होंने क्या फाइंड द ऑपोजिट, इन्होंने ऑपोजिट्स फाइंड करने, ठीक है। कम गो, गो अपने कि आदि किया हो गो, ठीक है। सैकेंड है अपना लोंग, लोंग का ऑपोजिट की होंगे है शॉर्ट, शॉर्ट अपने आदि किया हो। थर्ड नंबर है आउटसाइड, आउटसाइड का इनसाइड आदि किया हो। लेट अर्ली, ठीक है, अर्ली आदि किया हो। तो नैक्सट है लव हेट, लव का ऑपोजिट हों हेट, सो अपने हेट किया, फिफ्थ नंबर हेट। सिक्स है अपना मास्टर, मास्टर का होंगे ऑपोजिट सर्वेंट, आ रहा अपना सर्वेंट। सैवंथ है अपना होल, होल का पार्ट, ठीक है।
8th है अपना डेंजर, डेंजर दा होगा सेफ, सेफ अपन ने किया होया आ रहे, ठीक है सेफ। एंग्री, एंग्री होगा गुस्से विच, उसका ऑपोजिट होगा काम, आ रहा काम। 10th है नियर, नियर मतलब नेड़े, उसका ऑपोजिट फार, फार मीनस दूर, आ रहा फार, ठीक है। ये भी फिर तो मैचिंग आ गई, मैचिंग ये अपने करनी है ऑपोजिट की, सॉरी सिनोनियम्स करने ने मीनस मीनिंग वाले। नियर क्लोज, नियर मीनस होंगे नेड़े, क्लोज भी नेड़े होंगे। फास्ट, फास्ट का हैगा है अपना, फास्ट का अपना हैगा है रैपिड, ठीक है। डिसीज होंगे बीमारी, इलनेस भी बीमारी होंगे, डिसीज इलनेस। बिगिन स्टार्ट, हैप्पी ग्लैड, ठीक है ये हो गया अपने। नैक्सट अपने पिक्चर्स के नेम दसने ने जड़ी दी हुई ने, दिस इज अ डॉग, एक ब्लैक बोर्ड है, ये स्कूटर, ये ताजमहल है, एक नेम्स लिख लेने ने, यह एक हाउस है, तो यह एक गर्ल है। देखो आ वाले अपने नाउनस ने जोड़े उन्होंने अंडरलाइन करने, डॉग इज फेथफुल एनिमल, ये नाउन कि अपना डॉग। मोती किल्ड द स्नेक, मोती ने सप्प नू मारिया, ये की होएगा नाउन मोती। मुंबई इज़ अ बिग सिटी, मुंबई इज अ नाउन, ठीक है। शरण इज प्लेइंग फुटबॉल, शरण है जो फुटबॉल खेल रहा है, ये शरण जोड़ा है नाउन है। माई टीचर गेव मी दिस बुक, मेरे अध्यापक ने मेरे एक बुक दी, टीचर ये नाउन है। ये आ गया इन सर्कल द वर्ड शोइंग स्पैशल नेम ऑफ अ परसन, ठीक है, थिंग और प्लेस, ठीक है। ये कोई भी जी स्पैशल नेम होएगा उन्होंने कर लेना, एक तो अपना आएगा ग्रैंड मदर, ठीक है। सुखना लेक भी बिच ही आ जाएगा, ये सनफ्लावर, युवराज सिंह, नेपाल, पीकॉक, संडे, ठीक है, एंड एनिमल्स, ओके। सो हम आप नेक्स्ट करेंगे, अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड एनलिस्ट देम एज कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, ठीक है। ये अपन पहला सारे नाउन्स कर लेने अंडरलाइन, फिर ये बॉक्सिस लिखना है भी कि कॉमन नाउन है तो कि प्रॉपर नाउन है। माई सिस्टर इज़ गोइंग टू अमृतसर, मेरी सिस्टर अमृतसर गई, ये नाउन सिस्टर एंड अमृतसर है। आई हैव अ वुडन क्लॉक इन माई रूम, मेरे रूम में एक वुडन क्लॉक है, ये क्लॉक एंड रूम नाउन है। जसप्रीत विल जॉइन अस ऑन मंडे, जसप्रीत एंड मंडे ये नाउन है। माई ग्रैंड फादर हैज़ मैनी काउस, ये ग्रैंड फादर फादर एंड काउस नाउन है। आई हैव लॉस्ट माई वाटर बॉटल, ये बॉटल नाउन है। वी विल गो टू डेली बाई ट्रेन, डेली एंड ट्रेन इज नाउन। कॉमन नाउन के आ जाएगा अपना सिस्टर, क्लॉक, रूम एंड काउस। प्रॉपर नाउन के आ जाएगा अमृतसर, जसप्रीत, मंडे एंड डेली, ठीक है। प्लूरल अपन पता ही है होंगे ने की ने, ठीक है वो लिख देंगे। कैरेट, कैरेट्स, बाउल, बाउल्स, बर्ड, बर्ड्स, जग, जग्स, मंकी, मंकी, स्टूल, स्टूल्स। हुण इहदे विच प्लूर, इहदे विच वी आ गए बॉक्स, बॉक्सिस, मैच, मैचिस, ग्लास, ग्लासिस, ब्रश, ब्रशिस, टमैटो, टमैटोस। ये आई एस ऐड करना, जिथे वाई होएगा उदे कट करके आई एस ला लेना। सिटी, सिटीज, बेबी, बेबीज, लेडी, लेडीज, फैमिली, फैमिलीज। ये वूमैन, वूमैन, फुट, फीट, टूथ, टीथ, गूज, बीज। हुण आपां ने आर्टिकल्स ऐड करने ने, दिस इज़ नॉट डैश एक्सरसाइज। अपन पता है जिहड़ा एन है वह कितने लगता है, एन जिथे वोवल वर्ड्स होन, ए ई आई ओ यू होन, ए है इसलिए आप इतने एन लगा दिता। मीनू हैज़ डैश बनाना एंड डैश एप्पल इन हर बैग। ओ जिथे एक चीज़ होवे उत्थे ओ, ए अपने को आ गया वोवल वर्ड आ गया ए, इसलिए आप इतने एन लगा दिता। रजत इज़ अ हार्ड वर्कर एंड डैश ऑनेस्ट बॉय, ठीक है। ये एच की आप साउंड नहीं लै रहे, साउंड आप लै रहे हैं, ठीक है। ओ जड़ा है वो आ जाता है अपना वॉवल्स, इसलिए आप इतने एन लगाया। द सन इज़ वेरी हॉट एंड ब्राइट, सन इसलिए आप द इसलिए लगाया क्योंकि ये सन है, ठीक है। नैचुरल थिंग का नेम है, किसी चीज़ का नाम है सन, ठीक है, इसलिए आप इतने द लगा दिता। माई अंकल हैज़ बेक्ड अ केक फॉर मी, मेरे अंकल ने एक
ਮੇਲੇ ਕੇਕ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਟੂਡੇ ਆਈ ਹੈਲਪ ਡੈਸ਼ ਓਲਡ ਮੈਨ ਐਂਡ ਡੈਸ਼ ਯੰਗ ਲੇਡੀ ਐਂਡ AIOUO ਇਜ਼ ਅ ਵੋਵਲ ਸੋ ਵੀ ਐਡ ਐਨ ਯੰਗ ਲੇਡੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੋਵਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸੋ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਲਈ ਓ ਲਗਾਇਆ। ਵੀ ਪਲੈਨ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਡੈਸ਼ ਫੋ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ, ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਲੈਨ ਕੀਤਾ। ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੋ ਲਗਾਤਾ। ਗਰਲ ਵਿਲ ਪਲੇ ਇਨ ਦ ਪਾਰਕ ਨੀਅਰ ਮਾਈ ਹਾਊਸ, ਪਾਰਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੋ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਬਲੈਂਕਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਈ ਪੈਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪੈਟ, ਇਟਸ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਕਾਲੂ ਆਦਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬਲੈਕ ਇਨ ਕਲਰ, ਕਲਰ ਇਹਦਾ ਬਲੈਕ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਡੈਸ਼ ਵਿਦ ਇਟ ਪਲੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਫੇਥਫੁੱਲ, ਇਹ ਫੇਥਫੁੱਲ ਐਨੀਮਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਬਾਏ ਬਾਏ।